सुनील, इस रिपोर्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस के लिए काम कितना मुश्किल होगा। कैसे एक छोटी छोटी चीज़ों के तार बांधकर इस पूरी प्रक्रिया जो उन्होंने अंजाम दिया, पूरी दहशत के इस साए का पता लगाना है कि आखिर किस तरह से इतने लोगों को मार गिराया गया। आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन उनकी करतूतों का जो असर है वो अभी भी हमारी जो आम जिंदगी है, हमारे जो कामकाज हैं, हमारे उद्योग हैं, उन पर पड़ रहा है। मंदी से जूझ रहे पर्यटन उद्योग पर तो इसकी बड़ी मार पड़ी है। हालत यह है कि जो देश विदेश के सैलानी हैं वो अपनी छुट्टियां रद्द करा रहे हैं। आतंकवाद से जूझता इनक्रेडिबल इंडिया। पर्यटन को बढ़ावा देने की तमाम कोशिशें मुंबई पर हुए आतंकी हमले ने फीकी कर दी हैं। हमले के बाद विदेशी सैलानी भारत आने में डरने लगे हैं और इसका असर भी दिखने लगा है। बहुत जबरदस्त दंड पड़ा है, बहुत मुंबई में बहुत ज्यादा कैंसलेशन हुई है। नुकसान और डर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूरोप और अमेरिकी सैलानियों से कारोबार चलाने वाली ट्रेवल कंपनी क्योनी की 80% से ज्यादा बुकिंग रद्द हो चुकी है। यही हाल चीन, कोरिया, जापान और सिंगापुर के ज्यादातर सैलानियों को भारत में घुमाने वाली कंपनी मिड टाउन का भी है, जिसके पास दिसंबर में कोई भी कारोबार नहीं बचा है। जिससे पहले ब्लास्ट होते थे तो हम यही कहते थे कि यार क्राउडेड प्लेस पे होते हैं, तो टूरिस्ट के लिए इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो हुआ है होटल्स में हुआ है, तो अभी हमें सच बोलो तो कुछ स्टेटमेंट देने की पोजीशन में नहीं है कि हम क्या स्टेटमेंट दें टूरिस्ट को या अपने एजेंट्स को जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। इसका सीधा असर होटल उद्योग पर भी दिखाई पड़ रहा है। पीक सीजन में भरे रहने वाले होटल खाली हैं। देखिए, बॉम्बे में तो इसका बहुत बुरा असर पड़ा है और आंशिक रूप से दिल्ली व अन्य शहरों में भी पड़ा है। तो मायूस टूर ऑपरेटर भी सरकार की ओर इस उम्मीद से देख रहे हैं कि ये वक्त आतंकवाद के खिलाफ कठोर बयानबाजी का नहीं बल्कि सख्त कदम उठाने का है, क्योंकि अब मामला आतंकवाद का ही नहीं बल्कि उससे प्रभावित हो रही अर्थव्यवस्था का भी है। नई दिल्ली में कैमरामैन कानन पात्रा के साथ ओंकार, NDTV इंडिया के लिए।